हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर सिंह, उर्दू मॉड्यूल के हिस्से से, और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन ही के माध्यम से यानी ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग गौर समाप्त फरमाते होंगे और मुतमईन दिल से उर्दू को पढ़ते भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 पढ़ाना है, ठीक है? चैप्टर नंबर 8 पढ़ाना है। चैप्टर नंबर 8 से आप लोग कुछ ही बच्चे हैं कि टास्क बना करके भेजते हैं, लेकिन सब बच्चे गफलत में सोए हुए रहते हैं। ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए के गफलत में सोए, सुस्ती करें, आलसीपन करें। पढ़ने लिखने में आलसीपन करने से आप ही को नुकसान है, ठीक है प्यारे बच्चों? ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। आज से मुसलमान इरादा करें कि इंशाल्लाह हर हालत में सबको टास्क बनाकर के व्हाट्सएप में भेजेंगे, ठीक है? बता दें तो निकालिए चैप्टर नंबर 8, ऊंट की परछाई। परछाई बोलते हैं साया को, यानी कुछिया को, जिस बात बोलते हैं कुछिया, ठीक है? किसको बोलते हैं? कुछिया को, यानी साया को। गर्मी के दिन थे, क्या थे? गर्मी के दिन थे। एक मुसाफिर को तेज धूप में एक गांव से दूसरे गांव जाना था, एक गांव से दूसरे गांव जाना था। दोनों के दरमियान एक लंबा रेगिस्तान था, यानी रेगिस्तान बोलते हैं कि बिल्कुल सॉरी, जिसको बोलते हैं रेगिस्तान, बालू ही चके मैदान पड़ा हुआ है, उसमें चल रहा था और धूप काफी गर्मी। एक लंबा रेगिस्तान था। मुसाफिर ने एक ऊंट किराए पर लिया। मुसाफिर ने क्या किया? एक ऊंट किराए पर लिया। ऊंट बहुत आलसी था। आलसी मतलब सुस्ती, यानी सुस्ती, जैसे आप सुस्ती करते क्लास के अंदर, क्लास बना के बार बार आप लोग को बोलते हैं, लेकिन टास्क बना नहीं देते, तो आप लोग के अंदर ये आलसीपन है, ठीक है? आलसी था, ऊंट की तरह आप लोग भी आलसी हैं ना, ऐसा नहीं करेंगे ना। वो चलते चलते बार बार रुक जाता था। वो क्या करते? चलते चलते रुक जाता था, जैसे आप लोग भी रुक जाते हैं, चलते थोड़ा बोलते हैं तो लिखते हैं, और फिर जब बोलना टाइप करना छोड़ दिए तो आप लोग भी लिखना छोड़ देते हैं। ऐसे ही वो भी आप लोग के जैसा ऊंट भी आलसी बन था, इसलिए ऊंट का मालिक भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। क्या? इसलिए ऊंट का मालिक भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब ऊंट रुकता तो वह उसे छुरी से मारता। ऊंट के मालिक क्या थे? जब ऊंट रुक जाता था उनको छुरी से मार देते हैं, समझे? तो ऊंट डर से फिर चलना शुरू कर देते हैं ना। ऊंट फिर आगे के सफर के लिए चल पड़ता। ऊंट फिर आगे के सफर के लिए चल पड़ता। ऊंट फिर आगे के सफर के लिए चल पड़ता। चलते चलते दो ऊपर हो गई। चलते चलते दो ऊपर हो गई, इसलिए आराम करने की गर्ज से, इसलिए आराम करने की गर्ज से वो रास्ते में एक जगह रुक गए। वो रास्ते में एक जगह रुक गए। रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं था। रेगिस्तान में कोई पेड़ पौधा नहीं था, यानी कोई छाया करने के लिए, यानी धूप में छाया होने के लिए, यानी आराम करने के लिए कोई पेड़ पौधा नहीं था। वो रास्ते में एक जगह रुक गए। रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं था, इसलिए मुसाफिर ऊंट की परछाई पर बैठ गया। क्या? ऊंट जो बैठा उसे परछाया हुआ, छाया हुआ, उसके इसमें ऊंट मालिक बैठ गए, है ना? बैठ गया। गर्मी की वजह से ऊंट का मालिक भी बहुत थक गया। गर्मी की वजह से ऊंट का मालिक भी बहुत थक गया था। वो भी ऊंट की परछाई में कुछ देर आराम करना चाहता था। वो भी ऊंट की परछाई में
कुछ देर आराम करना चाहता था, है ना। गर्मी की वजह से ऊंट का मालिक भी बहुत थक गया था, गर्मी की वजह से ऊंट का मालिक भी बहुत थक गया था, वो भी ऊंट की परछाई में कुछ देर आराम करना चाहता था। इसलिए उसने मुसाफिर से कहा, कि ऐ भाई ये ऊंट मेरा है। क्या है? ये ऊंट जो है मेरा है, इसलिए इसकी परछाई, क्या क्या, इसलिए इसकी परछाई भी मेरी है, मैंने तुम्हें सिर्फ ऊंट किराए पर दिया है, सिर्फ मैंने आपको ऊंट किराए में दिया है, इसकी परछाई के बारे में मैंने तुमसे कोई सौदा नहीं किया, इसकी परछाई के बारे आपसे कोई सौदा बातचीत नहीं किया था, इसकी परछाई के बारे में मैंने तुमसे यानी आपसे कोई सौदा नहीं किया है, यानी आपसे यानी तुमसे कोई सौदा नहीं किया है, इसलिए तुम हटो। क्या कहा? जो किराया, तुम हटो, ये ऊंट मेरा है, हमारा ऊंट है, इसके मालिक है, आप हमारे ऊंट किराया के लिए है, ना कि इसका परछाया यानी छाया, तो इसलिए आप हटिए, हमको बैठे, इसलिए तुम हटो और मुझे वहां बैठने दो। मुसाफिर ने कहा क्यों, मैं क्यों हटूं, मैंने पूरे दिन के लिए ऊंट किराए पर लिया है, यानी मैं पूरे दिन के लिए ऊंट किराए पर लिया है, इसलिए ऊंट के साथ उसकी परछाई में मैं बैठने का हक सिर्फ मुझे है, परछाई में बैठने का हक सिर्फ मुझे है, यानी इसके लिए ऊंट के परछाई में बैठने का हक सिर्फ मुझे ही है, ना कि आपको। इस तरह दोनों आपस में लड़ने लगे, दोनों में मारपीट शुरू हो गई, इतने में मौका देखकर ऊंट वहां से भाग निकला, इतने में दोनों ऊंट मालिक और किराया दोनों आपस में लड़ने लगा, इतने में मौका है गनीमत पा गए, ऊंट क्या हो गया, फिरार हो गया, भाग निकला, वो अपने साथ परछाई भी ले गया। बच्चों, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ना अच्छा नहीं होता, क्या होता है, इससे मुझे क्या समझता है कि आपस में छोटी छोटी बातों में मुझे लड़ना अच्छा अकलमंदी की बात नहीं होती है, हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, हमें क्लास क्लास साथी के साथ, क्लास फ्रेंड के साथ भी हमें प्यार मोहब्बत के साथ क्लास करना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ दिन गुजारना चाहिए, कोई हमारे दोस्त है तो उसके साथ भी अच्छा से प्यार मोहब्बत से रहेंगे, जो पड़ोसी है उसके साथ भी, यानी हर किसी के साथ भी हम क्या करेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ दिन गुजारेंगे, है ना, प्यार मोहब्बत ही में भला है। मंदरसा से आगे देखते हैं, मशरिक का है मंदरसा से सवारा इकबाल लिखे, सुवार ने दिया है, मुसाफिर को तेज धूप में कहां का सफर करना था, मुसाफिर को तेज धूप में कहां का सफर करना था, मुसाफिर को तेज धूप में कहां का सफर करना था, जवाब क्या हो गया, जवाब ए, क्या हो गया, ए गांव से दूसरे गांव, मुसाफिर को तेज धूप में कहां का सफर करना था,
जब एक गांव से दूसरे गांव का सफर करना था, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव का सफर करना था। उसके बाद लिखे हैं सवाल नंबर टू, वह रास्ते में किस वर्ण से रुका, वह रास्ते में किस वर्ण से रुका, वो क्या कहते हैं कि वो रास्ते में किस वर्ण से रुका, आराम करने की वजह से। जवाब क्या हो गया, जवाब आराम, आराम करने की वजह से रुका, क्या आराम करने की वजह से वो रास्ते में एक जगह गए थे, यानी वो आराम करने की वजह से रास्ते में, वो आराम करने की वजह से एक जगह रास्ते में क्या हुआ, रुका, आराम करने की वजह से एक जगह रास्ते में क्या हुआ, रुका। सवाल नंबर ऊंट का मालिक और मुसाफिर क्यों लड़ने लगे, लिखा है कि ऊंट, जवाब सवाल, सवाल ऊंट, ऊंट का मालिक, मालिक और मुसाफिर, ऊंट का मालिक और मुसाफिर क्यों, क्यों लड़ने लगा। लिखे हैं कि ऊंट का मालिक, ऊंट का मालिक और मुसाफिर आपस में क्यों लड़ने लगे थे। जवाब, ऊंट के जवाब में क्या है, जवाब ऊंट के पर, ऊंट के परछाओं, परछाओं में बैठने के लिए, के लिए ऊंट के मालिक, मालिक ने कहा के ऊंट मेरा है और ऊंट क्या है कि आपको ऊंट किराए में दिया, ऊंट का मालिक ने कहा कि मैं आपको ऊंट का मालिक, अच्छा मालिक ने कहा कि ऊंट, क्या लिखा, ऊंट आपको किराए में दिया है, क्या ना कि कहते हैं ना कि परछा, परछाया, क्या लिखा, ना के परछाया, तो
आप सिर्फ तो आप सिर्फ ऊंट सिर्फ आप तो बचा है तो आप सिर्फ ऊंट के सिर्फ आपसे ऊंट किराए में दिया है तो मुझे हक है कि ऊंट के परछाव पर छाव में बैठने का है ना क्या दिया है तो मुझे हक है कि ऊंट के परछाव में बैठने का किराए किराएदार ने कहा कि ऊंट मैं पूरे दिन के लिए किराया लिया है इसलिए मुझे हक है इसलिए दोनों आपस में लड़ने लगे है ना क्या लिखे हैं सवाल ऊंट का मालिक और मुसाफिर क्यों लड़ने लगा जो ऊंट के परछाओं में बैठने के लिए ऊंट के मालिक ने कहा कि ऊंट आपको किराए में दिया है न परछाया तो आप सिर्फ आने के लिए आप सिर्फ आप ऊंट ऊंट किराए में ले आया है तो किराएदार ने कहा कि अच्छा ऊंट किराए में दिया है तो मुझे हक है कि ऊंट के परछाओं में बैठने का किराएदार ने कहा कि ऊंट मैंने पूरे दिन के लिए किराया दिया है पूरे दिन के लिए किराया दिया है इसलिए मुझे हक है कि मैं ऊंट के परछाओं में बैठूं ठीक है प्यारे बच्चों उसके बाद लिखे हैं कि ऊंट किस लिए भाग खड़ा हुआ दुआ में याद रखेंगे सदा।